300 में बहुत सारी चीज़ें लेनी है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट और मेरे पास 300 है और मेरा चैलेंज है कि मैं आज पहले 100 रुपये गिर गई। चैलेंज है कि मैं 300 में क्या लेती हूँ। मुझे कपड़ों में कुछ लेना है और बहुत ही अच्छा चीज़ लेना है और मुझे 300 में लेना है और देखते हैं कि मैं क्या लेती हूँ 300 में। अच्छा अच्छा चीज़ मुझे मतलब टॉप या फिर जो भी मिल जाता है, शर्ट मिल जाता है। तो रामनगर मार्केट है ये और देखते हैं कि तो रामनगर मार्केट से हम 300 में क्या बहुत ही चीज़ें ले सकते हैं। चलिए मैं इयर रिंग्स भी लूँगी। देखो आप, इसीलिए मैं इयर रिंग्स पहन कर नहीं आई क्योंकि मुझे उसी 300 में इयर रिंग्स भी लेने, टॉप भी लेने और मुझे जो भी मतलब अच्छा अच्छा मिल सकता है कपड़े को मिलाकर और बाकी एसेसरीज वगैरह वगैरह को मिलाकर वो चीज़ें लेनी है। तो देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं पसंद कर रही थी इयर रिंग्स। इयर रिंग्स इनके पास बहुत प्यारे रहते हैं और वो 30 रुपीज़ वाले जल्दी बेकार नहीं होते हैं। तो मुझे ये पसंद आया और मेरी बहन को भी ये वाला बहुत पसंद था। शायद ये वाला नहीं था, दूसरा था। तो ये वाला इयर रिंग मैंने ले लिया और मैंने पहन भी लिया था क्योंकि मैं पहन कर नहीं गई थी। मैंने यही सोचा था कि जब मैं बाय करूंगी तभी मैं पहनूंगी। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन से पूछा कि उसे कैसा लग रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। ये क्यूट सा इयर रिंग था और इसकी वजह से लुक भी अच्छा लगने लगा था। फिर उसके बाद मेरे पास बचे थे 270 और 270 में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ और मैं सोच रही थी मैं कैसे कर पाऊँगी ये चैलेंज। मैंने 30 रुपीज़ का इयर रिंग लिया है, मीन्स अब मेरे पास बचे 270 एंड 270 में मैं क्या बाय कर पाती हूँ एंड क्या क्या ले पाती हूँ वो देखते हैं। मेरे 30 रुपये मेरे पास से जा चुके हैं। तो चलते हैं अंदर। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और मैं सोच रही थी इन दोनों में से मैं कोई एक लूँ, लेकिन ये दोनों मेरी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि और देखते हैं क्योंकि मेरे को लेना था सिर्फ 100 रुपीज़ में और 100 रुपीज़ में मिलना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे यूज़ किया हो और कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था मेरे को। पर मुझे कुछ शर्ट्स टाइप का ही लेना था, मुझे शर्ट ही लेना था मतलब। तो फिर इसलिए मैंने शर्ट पसंद किया, मुझे फाइनली ये पसंद आया, मैंने 100 रुपीज़ दिया और ये मैंने पैक करा लिया। फिर उसके बाद मेरे पास बचे थे 170 रुपीज़ एंड 170 रुपीज़ में मैं क्या लेने वाली थी मुझे कुछ नहीं आइडिया था। इस मेरे 130 रुपये ख़त्म हो चुके हैं, मेरा 300 का चैलेंज है एंड मैंने ये शर्ट ले लिया है और उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे और क्या लेना है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक 200 का सेट है, वो ऊपर का है, गर्मियों का सेट है, वो लेने को सोच रही हूँ। और तो गाइज हमने देर तक कॉमेडी वीडियोस बनाई और ये शॉप वाले जो भैया हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। इनकी शॉप है, भैया आपकी शॉप का क्या नाम है? लाइक एंड लुक नाम है इनके शॉप का। बहुत अच्छी शॉप है और सारे ही नए कलेक्शन रखते हैं ये। और ये हैं जिन्होंने सारी वीडियोज़ बनाई और बहुत अच्छे से बनवाई है। और मैं वो कॉमेडी शॉर्ट्स जल्दी डालूँगी। और इन बता, अब हम जा रहे हैं लाइक एंड लुक नाम है इनके चैनल का, है ना? मेरे चैनल का नहीं है। अच्छा, चैनल नहीं है, का दुकान है, मेरा चैनल है। तो बोल दो लाइक सब्सक्राइब कर इनके चैनल को, प्लीज भाई लोग। हाँ, और इनकी भी जल्दी वीडियो आएगी, इनकी वीडियो बहुत फनी है, आपको मज़ा आने वाला है कॉमेडी वीडियो में इनके साथ, तो ज़रूर देखना आप। तो गाइस मैंने 300 में क्या किया था, एक तो मैंने अपना शर्ट लिया और ये पेयर लिया 200 का जो कि मैंने 170 में लिया और ये 30 का इयर रिंग्स, मतलब मैंने तीन चीज़ें ले ली। तो रामनगर बहुत ज़्यादा बेस्ट मार्केट है, अगर आप कोई चैलेंज लेकर आते हो उसे आप पूरा आसानी से कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ज़रूर आना, ज़रूर विजिट करना, बहुत प्यारा मार्केट है, हर चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। बाय बाय।
बाय अंकल जी, राधे राधे। राधे राधे अंकल। आज मैंने 300 का चैलेंज बहुत अच्छे से किया और ये है मेरी आज की शॉपिंग जिसमें मैंने बाय की है दो ड्रेस प्लस इयर रिंग। और आप सोच सकते हो मैंने कितना मतलब बार्गेन करा, बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करा है, बस मैंने 30 रुपीज़ का बार्गेन कराया है। और यहाँ पर मतलब अफोर्डेबल रेट में अच्छे अच्छे फैब्रिक के कपड़े मिल जाते हैं। तो आज मैंने फाइनली अपना चैलेंज पूरा कर लिया है और रात के बज के 8, और क्योंकि मैंने कॉमेडी वीडियोज़ बनाई थी और मेरी बहन ने दोनों ने बनाई थी तो हमें ज़्यादा टाइम हो गया। और अब हम जाएंगे फाइनली घर और कुछ खाएंगे जो हमने अलग से पैसे ले आए थे। वैसे हमारा चैलेंज तो 300 का था, हमने 300 का चैलेंज पूरा किया, बाकी जो हमने एक्स्ट्रा पैसे लाए थे उससे हम खा पी कर घर जाएंगे क्योंकि लग गई बहुत तेज़ की भूख क्योंकि बहुत देर हो गई है। तो और ये मुझे इयरिंग बहुत प्यारा लग रहा है, सेम ऐसे ही मेरी सिस्टर का भी है, हम दोनों ने ऐसा ही लिया है। और जो दो ड्रेस लिए बहुत अच्छी है दोनों, एक तो मैंने घर के लिए लिया और एक मैंने बाहर जो शर्ट कभी भी पहन के कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।